सविता जी एक बात बताइए, बीजेपी की जीत के पीछे बताया जाता है कि ईवीएम का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ईवीएम के बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं तो साफ कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान की ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। जहाँ पर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब बैलेट बैग से इस देश की जनता अपना नौकर चुनेगी कि कौन हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा विकास करेगा, सम्मान करेगा, देश के हित में काम करेगा, उनको वोट दे करके और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था बाबा साहब ने, उसको ये लोगों ने बहुत बारीकी से अब उसको ईवीएम के माध्यम से उन अधिकारों को ये छीनना चाहते हैं। इसलिए अन्य देशों में, भारत के अलावा जितने भी देश हैं, और देशों में ईवीएम की व्यवस्था नहीं है, केवल भारत में ही ईवीएम की व्यवस्था क्यों? हमारा दलित और पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग, आज के कुछ साल पहले बूथ कैप्चरिंग करा ली जाती थी, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, उनके वोट का दुरुपयोग किया जाता था। हमारे समाज के लोग, जब से मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन छेड़ा और कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तब से देश का बहुजन अपने वोट के अधिकार को जाना और अपने वोट को डालने के प्रयास करना शुरू कर दिया, तब से इस देश के सामंतशाही विचारधारा के लोग, जो सदियों से देश पर सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, उन लोगों ने विदेशी लोगों से मिल करके और ईवीएम की व्यवस्था की गई। जिस देश में ईवीएम बनाई गई, उस देश में ईवीएम से वोट नहीं पड़ता, लेकिन भारत में वोट ईवीएम से क्यों पड़ता? इसलिए पड़ता कि देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो इस देश का 85% सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला समाज, वो वोट किसी दूसरे को देना चाहता, लेकिन जो सामंतशाही विचारधारा के लोग हैं, जो देश के दलित, पिछड़ा और संविधान की विरोधी हैं, वो लोग उस वोट को हथियाने के लिए जनता को धोखे में डाल करके ईवीएम के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए मैं ईवीएम का विरोध करती हूं और कहना चाहती हूं कि अब ये वोट ईवीएम से नहीं बल्कि मत पत्र से ही पढ़ना चाहिए, बैलेट से ही वोट पढ़ना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो सके कि मैं जिसको वोट देता हूं, सरकार उसी की बननी चाहिए।